30x60 का होम डिजाइन। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्प्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। देख लें इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्प्स। अब ये जो घर है मोहाली एरो सिटी के अंदर, बहुत ही शानदार लोकेशन और बहुत ही शानदार व्यूज होने वाले हैं। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए न्यू थिंग्स जो पंचकूला चंडीगढ़ मोहाली में होती हैं वो लेकर आता रहूं। अब जो इसकी फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन ये 30 फुट की चौड़ाई में और 60 फुट की गहराई में, तो 30x60 1800 स्क्वायर फुट 200 गज जगह। तो मैं आपको बताता हूँ कि 30 फुट को हमने कैसे डिवाइड किया। ये तकरीबन हमारे 2 फुट का हमने यहाँ पर पिलर बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क है और यहाँ पे अच्छा हमने सुंदर हमारी लाइटिंग का काम है। कितना अमेजिंग लाइटिंग आपको नज़र आ रही है। साथ में हमने यहाँ पर अच्छा टफ एंड ग्लास का काम किया है। जब भी आप बात करें कि कैसे आप अपने घर को ओपननेस दे सकते हैं, तो हमने टफ एंड ग्लास का काम किया। टफ एंड ग्लास का ये फ़ायदा रहता है कि आपके घर को ओपननेस देगा, नहीं तो क्या होगा वो क्लोजनेस देगा। अगर जो आप यहाँ पर ग्रिल्स लगा देंगे क्लोजनेस। और यहाँ पर हमने लाइट ब्राउन और ब्लैक का अच्छा अमलगमेशन किया। नीचे हमने जो टाइलिंग है 1x1 की जो टाइलिंग नज़र आ रही है आपको, अच्छी टाइलिंग का काम किया है। और यहाँ पर भी हमने तकरीबन ये जो हमारा 2 फुट का वो पिलर है, तकरीबन 12 फुट का ये है, फिर 2 फुट का ये पिलर है और यहाँ पे 10 फुट का ये एक मेन गेट है। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। और ये जो मेन गेट है हमने स्लाइडिंग डोर के साथ में रखा है, प्रॉपर स्लाइडिंग डोर आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये रहता है कि अगर जो आप उसको खोलेंगे तो फिर डिफरेंट इशूज़ रहते हैं। अब जो इसकी फ्रंट एलिवेशन है, मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमारा ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, डार्क ब्राउन। उसके बाद अच्छा अमलगमेशन किया गया हमारा टफ एंड ग्लास का, स्टील का अच्छा वर्क है, लाइट ब्राउन ब्लैक और ग्रे का, कितना सुंदर अमलगमेशन। आप फ्रेंड्स देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। की फ्रंट एलिवेशन, अब ये जो घर है फ्लोर वाइज बिक रहा है जैसे मैंने बताया था। अब ग्राउंड फ्लोर पर हमने प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क है। ये तकरीबन हमारा 8 फुट की चौड़ाई में आपका फ्रंट कोर्टयार्ड है, 8x30 का प्रॉपर फ्रंट कोर्टयार्ड। यहाँ पर भी अच्छा हमने स्मॉल लाइटिंग का वर्क है, देखिए इतनी सुंदर लाइटिंग है। यहाँ पर अच्छा हमारा जो अच्छा आजकल के एक्रेलिक पुट्टी के साथ काम है उस तरीके का काम है। यहाँ पे हमने वाटर टैप्स दे रखे कि आप कुछ धोना वगैरह है। अच्छा डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन, कितनी सुंदर लाइटिंग का वर्क है। फर्स्ट जो इसके ऊपर फ्रंट एलिवेशन के सामने आपको नज़र आ रही है, देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग है। तो ऐसी वीडियोज़ अगर जो आप चाहते हैं प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। अब ये जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। हम चलेंगे इसके टॉप फ्लोर के अंदर। टॉप फ्लोर के ऊपर बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। अब ये जो हमारा मेन गेट है बहुत कुछ बता रहा है, तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा गेट। तो गेट का ये फायदा रहता है कि लंबा, तो इसके साथ ओपननेस है। यहाँ पे हमने प्रॉपर डोर क्लोजर का काम है, मैश डोर का अच्छा काम है, मैश डोर। और ये स्टील रेलिंग का बहुत ही सुंदर वर्क है, नीचे ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर काम। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट अंशुल, सो लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है प्रॉपर लिविंग एरिया, बहुत ही शानदार लिविंग एरिया आपको नज़र आ रहा होगा अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का वॉलपेपर का काम है और उसके ऊपर हमने अच्छा सुंदर काम किया गया। तो एक वॉल को हमने हाईलाइट कर लिया है एक कलर से, तो वो अच्छा नज़र कर रहा है आपके कैमरा के ऊपर भी। यहाँ पर भी अच्छा हमने वुडन का काम किया, यहाँ पर हमने प्रॉपर वुडन का हमने माइका लगा दिया गया, तो लुक भी ज़बरदस्त। और यहाँ पर एक कॉमन जो हमारा वॉशरूम है फर्स्ट बेडरूम के साथ में जो खुलेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। और ये साथ में हमने दिया गया है प्रॉपर यहाँ पे LED पैनल का डिज़ाइन है, तो LED पैनल है और यहाँ पे छोटी छोटी हमारी आर्टिफैक्ट्स हम रख सकते हैं। तो अच्छा काम किया गया है। ये हमारा तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 16 फुट लंबा है, तो बहुत ही शानदार एक लिविंग एरिया है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ के साथ में। और अच्छा नॉर्मल फॉल सीलिंग का काम किया गया है, वाइट लाइटिंग का बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया और साथ में नॉर्मल जो आजकल की जो अच्छी पुट्टी वाली वर्किंग है हमने इस तरीके की पेंटिंग कर रखी है, प्रॉपर पेंट इसके अंदर कर रखा है। तो अच्छा अमलगमेशन किया है, एक लाइट कलर की वॉल और दूसरा हमने एक प्रॉपर जो वॉयलेट कलर होता है ऑरेंज कलर का, उस तरीके का काम किया गया। आप देखिए इसके लिविंग एरिया को।
साथ भी आता है हमारे कॉमन वॉशरूम में। को बार बार लोग बोलते हैं कि आप हमेशा बाथरूम ऐसा बनाते हैं कि गेस्ट के लिए बड़ा इशू है, तो हमने यहाँ पे लिविंग के साथ अच्छा सा वॉशरूम बनाया है। ये फर्स्ट बेडरूम के साथ जो हमारी फ्रंट एलिवेशन के साथ है उधर भी खुल रहा है और नॉर्मल भी है। यहाँ पे हमने अच्छा ड्रेसिंग एरिया बना रखा है, अच्छा यहाँ पे ड्रॉर्स का काम है सॉफ्ट टच के अंदर, और प्रॉपर यहाँ पे हमारा आ गया वॉशरूम जो कि कॉमन वॉशरूम है फर्स्ट और सेकंड के साथ और लिविंग एरिया के साथ। बहुत ही शानदार हमारा वॉशरूम है। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है, प्रॉपर हमारी एमिनिटीज़ हैं ब्रांडेड, और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है सीट टॉयलेट सीट का, हैंगिंग सीट्स है और प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स के साथ में ऐसे ही मिलेगा, आप देखिए इसको। फ्रेंड्स लिविंग के सामने आ जाती है हमारी एक ओपन किचन है, बहुत ही शानदार किचन है, आपको नज़र आ रहा होगा अपने कैमरे में 12 फुट की चौड़ाई में और 10 फुट लंबाई में, बहुत ही शानदार किचन है ये। एल शेप की किचन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर हमने प्रॉपर एरिया डिफाइन किया है हमारे फ्रिज का, सिंगल डोर फ्रिज आपका आ जाएगा यहाँ पे, हमने उसके लिए स्पेस भी रखा है कि हमारी लग लग जाए, तो हम छोटी छोटी चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी मैं बात करूं कि किचन के एरिया की कैसे आप कर सकते हैं, जब भी हमारी किचन छोटी है तो कैसे करें, आपको कैमरे में किचन बहुत बड़ी नज़र आ रही, क्यों? नीचे हमने डार्क कलर का इस्तेमाल किया, ऊपर वाइट का, तो वो नीचे दब जाती है चीज़, दब रही है, आपको नज़र आ रहा होगी ये दब गई है चीज़, और वो ऊपर से खिल रही है क्योंकि हमने ऊपर लाइट वर्क कर दिया। अगर जो आप ये भी डार्क कर देंगे, ये भी डार्क कर देंगे, तो किचन डार्क हो जाएगी आपकी। प्रॉपर चिमनी एरिया का डिफाइन, चिमनी के लिए हमने जगह छोड़ी है जहाँ पे हमारा प्लग लगेगा। उसके बाद हमने एंटी नॉइज़ वाली सिंक, हमारे जो आरओ के लिए प्रॉपर स्पेस हमने रखा है, ये देखिए जो एंटी नॉइज़ वाली सिंक डबल डोर टैप के साथ आपको नज़र आएगी, सारी की सारी आपकी फ्रंट एलिवेशन के सामने चिमनी नज़र आएगी, तो क्या है कि यहाँ पे आपकी चिमनी के एरियाज़ भी हैं और जो आपकी सिंक है आपकी सामने आ रही है। यहाँ पर अच्छा हमने काम किया गया है वाइट का, और अच्छा पूरे के पूरे हमारे यहाँ पे जो हमने अपने बर्तन वगैरह रखने हैं तो प्रॉपर स्पेस है उसका, और ये भी सारे के सारे आपको सॉफ्ट टच के अंदर चीज़ें हमने दे रखी हैं, सारे के सारे सॉफ्ट टच के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर, बहुत ही सुंदर किचन, बहुत ही अमेजिंग वर्क्स, आप देखिए इसके किचन को। डोर था उसके साथ हमने एक छोटी सी हमने गैलरी बना रखी है, या फिर इसको आप पूजा रूम भी बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर के सामने आपका पूजा रूम हो जाएगा, तो बहुत ही शानदार हमने नॉर्मल सा स्टोर बना सकते हैं, पूजा रूम बनाइए। और ये जो मेन डोर हमारा खुल रहा था ऐसे, उसके बैक साइड में नज़र आएगा आपको, आप देखिए इसको। लिविंग के साथ ही आया था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि बहुत ही शानदार बेडरूम है, हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम ये 10x14 का बहुत ही शानदार कमरा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने अच्छा लाइट ब्राउन और गोल्डन कलर का अच्छा वॉलपेपर का काम किया है यहाँ पे लाइट कलर का, तो अच्छा मल्गमेशन दिया है। नीचे अंदर वार्म लाइटिंग का वर्क है, देखिए कितनी सुंदर वार्म लाइटिंग, वाइट और वार्म लाइटिंग का अच्छा मल्गमेशन, और यहाँ पे एसी की फिटिंग्स हमने पहले से ही करके दी है। जब भी हम बात करें कि किस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहिए जो हमारे रूम्स को, हमें रूम्स में हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, हमने इसमें लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है, देखिए वेंटिलेशन के मैच डोर भी है और ग्लास भी हैं, प्रॉपर मैच डोर्स यहाँ पे पूरे के पूरे विंडो जो डोर्स हैं हमारे 8 फुट की ऊंचाई पे, तो ओपननेस देता है। साथ में LED पैनल, आजकल नॉर्मल सा LED पैनल का है, LED पैनल इस तरीके से नहीं है, और पीछे बैक पे ही कोव की लाइटिंग का वर्क कीजिए। अगर जो आप यहाँ पे लाइट लगा देंगे तो वो आपकी आंखों को चुभेगा, और यहाँ पे आपके जो नॉर्मल आपके DTH के TV के सेट आ सकते हैं उस तरीके से, और अच्छा 4K लाइटिंग का वर्क, नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, कोई हैवी भड़कीली फॉल सीलिंग नहीं है इसमें, हमने यहाँ पर अच्छे आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए जगह बनाई है, और सारे के सारे जो स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब्स बनाए हैं पूरे के पूरे डेप्थ तक बनाए हैं, और अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड, प्योर अंदर से वाइट ऑफ वाइट कलर का हमने लैमिनेशन का काम किया गया। डेड स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो डेड स्पेस भी है, और अच्छा काम किया गया है हमारी लाइट टाइलिंग का, बहुत ही अमेजिंग टाइलिंग है, आप देखिए इसके व्यूज़ को।
इसके सेकंड बेडरूम के 10x14 का ये भी बहुत ही शानदार बेडरूम है, आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे भी हमने गोल्डन का अच्छा वॉलपेपर का डिज़ाइन किया है, यहाँ पर नॉर्मल वाइट और गोल्डन का अच्छा अमलगमेशन ऑफ वाइट के अंदर, पूरी की पूरी लाइटिंग हमारी वाइट में, और जो कोव हमने डाली है वो वार्म लाइट है, तो अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो नज़र मतलब ये है कि भड़कीला काम नहीं होना चाहिए, आप बेडरूम के अंदर एक सोने के लिए आते हैं तो वाइट लाइट वास्तु भी फ्रेंडली रहती है, तो वाइट लाइट का ज़्यादा उपयोग करें, वास्तु फ्रेंडली यही रहती है। और हमने यहाँ पे भी जो स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब्स बनाए हैं, पूरे पूरे डेप्थ तक बनाए हैं, अंदर से भी लैमिनेटेड, यहाँ पे भी हमने प्रॉपर स्पेसेस दिए हैं कि आप अपने कपड़े वगैरह अलग से रख सकते हैं और हैंगर के लिए अलग से स्पेसेस, तो अच्छा काम है। और इसके साथ ही हमारा अटैच एक और वार्डरोब एरिया जहाँ पर आप अपने एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमने प्रॉपर लैमिनेट के अंदर माइका के अंदर अच्छा माइका का काम किया गया है, यहाँ पे हमने प्रॉपर अपने जो टीवी के डीटीएच की वायर्स हैं उसका भी काम किया है, तो छोटी छोटी स्पेसेस का हमने ध्यान रखा है इसके अंदर। और हमने सारी की सारी अपनी छोड़ी हैं यहाँ पे LED जो हमारी फिटिंग्स हैं, AC की फिटिंग्स हैं, तो हमने पहले से ही छोड़ी हैं। और जो आजकल की मॉडर्न लुक में हमारी फॉल सीलिंग है हमने उसमें अंदर किराई है, क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो आपने पर्दे की रॉड डाली है तो इसके अंदर आ जाएगी, वो इसके कोव के अंदर आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा ये पर्दे की रॉड आ जाएगी और यहाँ पे सिर्फ कर्टन्स आपके शो होंगे। और पूरे के पूरे हमने 8 फुट की ऊंचाई पर ये कर्टन की रॉड्स को मतलब यहाँ पे विंडोज़ को रखा है, तो अच्छा लुक आएगा अमलगमेशन के साथ। और मतलब अच्छी टीक वुड का हमने काम किया, प्रॉपर मेश डोर के साथ भी बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं, आप देखिए इसके सेकेंड बेडरूम। इसके साथ आता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर हमने वार्डरोब्स बनाए हैं, पूरे के पूरे जो शटर्स हैं 6 इंची के शटर्स हैं, तो अच्छा काम किए गए। ये तकरीबन 4x4 का हमारा ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे हमने मिरर लगा रखा है, तो प्रॉपर अच्छा काम है। और इसके साथ ही आता है हमारा अटैच वॉशरूम, ये देखिए हमने कितना सुंदर वॉशरूम है, यहाँ पे हमने ग्रे टाइलिंग का वर्क है, नीचे एंडिस की टाइलिंग का वर्क है। जब भी हम वॉशरूम की बात करें हमने देखिए फैन का इस्तेमाल भी किया है, नॉर्मल हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, पर हेड तक टाइलिंग की है प्रॉपर अमेजिंग। और यहाँ पर भी अच्छे शॉवर का काम है, प्रॉपर ब्रांडेड एमिनिटीज, ड्राई और वेट एरिया का ध्यान, क्योंकि ये वेट एरिया, ये आपका ड्राई एरिया हो गया, ये प्रॉपर वेट एरिया, आप इसके अंदर टफ एंड ग्लास का काम कर सकते हैं। सारी की सारी टाइलिंग 2x4 की बहुत ही शानदार टाइलिंग है और ओवर हेड तक है। ये हमारा 4x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है, और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान, मैश डोर का, और यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट फैन भी लग सकता है प्रॉपर, और गीजर का हमने प्रॉपर एरिया डिफाइन किया, और वैनिटी भी बहुत ही सुंदर, आप देखिए इसके वॉशरूम को। चलते हैं इसकी बैक बालकनी की तरफ जो कि बहुत ही सुंदर है, इसकी फ्रंट में भी बालकनी है, बालकनी भी बालकनी है, तो इसका क्या है कि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन का है, और ये तकरीबन हमारी 3 फुट की चौड़ाई में हमारी बालकनी है प्रॉपर। और यहाँ पर हमने प्रॉपर टैप्स भी दे रखे हैं जहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया वगैरह बना सकते हैं, उधर साइड में भी हमने अच्छा काम किया है, सारे AC के डक्स वगैरह यहाँ से आपको पाइपिंग नज़र आ रही है, आप देखिए इसको। फ्रंट एलिवेशन के सामने खुलेगा, तो इसके साथ जो मैंने वॉशरूम दिखाया था आपको, इधर से हमने पहले से ही दिखा दिया वॉशरूम है, और ये अच्छा है, यहाँ पे हमारा फॉल सीलिंग का काम है, LED पैनल हमने से पहले से ही डिसाइड अच्छा बना रखा है, तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में अच्छी नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। ये 10x10 का बहुत ही शानदार कमरा है, उसकी हमने वार्डरोब्स अलग से बनाई है, हमारा वॉशरूम भी हमने मैंने पहले से ही दिखा दिया था, और इसके साथ अटैच हमारी बालकनी है। पहले आप देखिए इसके रूम को, फिर हम बालकनी की तरफ चलेंगे।
फ्रंट, इसके साथ चलते हैं इसकी फ्रंट बालकनी की तरफ जो कि बहुत ही सुंदर है। ये पार्क फेसिंग घर है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर प्रॉपर हमारा 8 फुट की ऊंचाई पे हमारा दरवाजा है, ये 3 फुट की चौड़ाई पे, और बहुत ही अमेजिंग वर्क है। यहाँ पे हमने प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम किया, स्टील रेलिंग का बहुत ही शानदार वर्क है, और बहुत ही अमेजिंग पार्क आपको सामने नज़र आएगा। आप देखिए कितना सुंदर पार्क है इसके अंदर, तो अमेजिंग व्यूज़ है टॉप फ्लोर का, मैं इसीलिए लेके आता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए सुंदर, जो हमने नीचे भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे अच्छा ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, लाइट ब्राउन का वर्क है, और अच्छी लाइटिंग का वर्क है। देखिए इतनी सुंदर लाइटिंग आपको नज़र आएगी, और कितना सुंदर हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन पे ग्रिल्स लगा दी हैं। सिंपल सस्ता काम है, लेकिन बढ़िया आपको लुक में नज़र आ रहा होगा। आप देखिए इसको, तब चलेंगे इसके टॉप फ्लोर के अंदर। यहाँ पर भी रूफ लाइट्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर हमने लाइटिंग का वर्क है, छोटी छोटी लाइटिंग एक अपने घर को बिल्कुल ही एरिया अलग से डिफाइन कर देती है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको इस तरीके से मिलेंगे, और बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रूफ टॉप है। देखिए कितनी शानदार रूफ टॉप है, आपको मज़ा ही आएगा यहाँ पे रहने का, और अमेजिंग। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम है, स्टील रेलिंग का अच्छा वर्क किया गया है, नीचे प्रॉपर टाइलिंग का काम है, सारी सारी एसी की डक्ट्स आपकी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अमेजिंग व्यूज़ हैं इस व्यूज़ के, आप देखिए। फ्रेंड्स, मुझे तो ये 200 गज 30x60 का होम डिज़ाइन बहुत ही शानदार लगा, और एरो सिटी मोहाली के अंदर। अगर जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने की और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।